ये आए हम, मेरे चाची जी का घर है और हम आए अभी चाची जी से मिलने, भैया भाभी से मिलने। ये मेरे मामा जी लेने जाओगे तो लेने जाओगे तो हाँ ठीक है। हाँ ये है हमारी चाची जी और ये है भाई साहब श्री कमलेश्वर प्रसाद नौटियाल, ये पोस्टमैन है भाई जी और चाची जी है मेरी 90 से ऊपर की। हाँ अब पूजा हो गई है, सब लोग प्रसाद खा रहे हैं, पानी पे धारे पे बैठे हुए और प्रसाद का आनंद लेते हुए अब हम लोग जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है हमारा गांव में तीसरा दिन और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर, कुछ लोग ऊपर चले गए हैं और हमारा गाँव का मंदिर है ऊपर, तो अभी आपको दिखाएंगे। और आज मंगलवार है तो सबसे पहले करते हैं भगवान जी से शुरुआत और उसके लिए हमने बनवाया है प्रसाद। ये हमारे यहाँ रोड बनाया जाता है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो ये हमने बनाया। अभी सिरपल वगैरह लेंगे ऊपर से और ये अन्न तैयार हो गया, नीलम हो रही है और अब हम लोग चलेंगे मंदिर। तो चलते हैं, आ जाओ बच्चों और आपको भी दिखाते हैं अपना मंदिर। इसका भी बता दो रॉकी का, वो घर पे। और रॉकी को हम घर पे छोड़ के जा रहे हैं अभी, रॉकी हमारा डॉगी है छोटा सा। चलो। और ये आ रही है विजय नौटियाल, ये है मेरी जिठानी की बेटी। मिला दे प्रधान जी, बसेले प्रधान जी हमारे। ये हमारे गांव के प्रधान जी, नाम बताइए अपना। हमारा तो भतीजा लगता है, नहीं नाम तो मुझे पता है पर हमारा भतीजा लगता है मैंने खुद ही। हाँ ये प्रधान है हमारे गांव के, बहुत अच्छे प्रधान है, बहुत डेवलप कर दिया गांव में, आगे भी इनको ही बनाना प्रधान। इसको दिखा दिया मैंने, ये बेटी हमारी विजय नौटियाल। और ये हमारी भाभी जी की भाभी श्रीमती लक्ष्मी थपलियाल जी और इनकी दुकान है यहाँ पे, हम पूजा का सामान लेने आए हैं और हम भी भाभी जी ही बोलते क्योंकि शुरू से भाभी जी ही बोले तो अभी भी भाभी जी ही बोले, तो इनसे मिलिए। और ये है नाम बताइए बेटा अपना, आचार्य श्री प्रियांशु नौटियाल। हाँ ये है मेरे भतीजे, ये मेरे भतीजे का बेटा है दुर्गा नौटियाल का, जिनके हम देहरादून में गए हुए थे तो देहरादून वाले ब्लॉग में ना आपको दिखाया था ब्लॉग में। आज पहाड़ में, हाँ पहाड़ में घूमने, तो पूजा का सामान ले लेते हैं। हमारा घर नीचे, ये मेरा मायका है और ये आ रही है विजय नौटियाल और ये हमारे गांव के प्रधान और ये नीलम आ रही है, हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। चलो 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 मंदिर चलो। हाँ ये मेरे मामा जी का घर दिख रहा है ऊपर और ये है मेरी भाभी जी का मायका, उनकी ताई जी का घर। चलो चलो चलो, क्या रह गया? ऑन। हम जा रहे हैं अपने मंदिर, गांव के मंदिर, गांव के मंदिर। ये उसका मकान है रुसना मौसी के वाला, रुसना मौसी का घर है ये। मंदिर की चढ़ाई शुरू होगी हमारी और हम लोग जा रहे हैं तोड़ते हुए, फूल तोड़ते हुए। फूल तो यहीं मिल जाते हैं, बहुत खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल रही है। थोड़े पीले फूल है, ये ले लो, निकालना मुश्किल। फूल तो बहुत मिल जाते हैं गांव में, ये देखो घास कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है आजकल, सांस फूल रही है। आज मम्मी कहाँ गई? मम्मी फूल तोड़ने। अरे कितने फूल चाहिए? ये हमारे गांव का मंदिर आ चुका है। हाँ ये रहा मंदिर हमारा पूरा, अभी थोड़ा सा है पहुँचने के लिए। हाँ पहले ऊपर जाते हैं, ये नरसिंह देव तक है और ऊपर जाते हैं पहले भैरव मंदिर में और माता रानी का। और ये नीलम आते हुए, नीलम और तन्नू,
ये आ गया हमारा भैरव देवता और माँ सुरकुंडा सूरी का मंदिर। ये मंदिर से हमारे गांव का व्यू दिख रहा है पूरा। थक गई नीलम भी, थक गई सब थक गए। ये हमारा गांव पूरा, मंदिर से हमारे गांव का व्यू पूरा। ये छेरब धार दिख रहा है सामने और ये हमारा गांव। और ये दिख रही है टेरी झील हमारे गांव से। और ये सामने दिख रहा है नई टेरी, इस साइड है धनोल्टी और बैक साइड में मसूरी। ये हमारे भैरव देवता का मंदिर और इसमें लेडीज अलाउड नहीं होती अंदर जानी, बाहर से ही मतलब पूजा कर सकते हो आप। तो बच्चे और भैया और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और वो लोग पूजा कर रहे हैं अंदर। सिर्फ चढ़ाना है, हाँ एक एक चढ़ा दो, एक नीचे चढ़ा दो। मम्मी उस पे देखो कैसे चढ़ा रहे भैरव देवता। पैसे दे दी, पैसे भी दे, पापा के पास है जो पैसे दक्षिणे भी रखा। दान पेटे नहीं हुआ, दान पेटी नहीं है, माता रानी चला दिया ना तुमने भैरव देवता का है ना मंदिर। जय भैरव देवता, जय भैरव देवता, भगवान सबको राजी रखे। जय अब हम जा रहे नीचे वाले मंदिर में, नीचे नरसिंह देवता का और ये भैरव देवता और देवी माँ का मंदिर है।
तो यहाँ हमने पूजा कर ली है और पहले यहाँ करते हैं, उसके बाद जाते हैं नीचे वाले मंदिर। तो हम नीचे जा रहे हैं। बुआ आप बोलो ना, पहले नीचे तो आ जाओ बाबू। धूप का गले में, चलो नरसिंह देवता की पूजा करो। ये है नरसिंह देवता का मंदिर हमारा, और अब यहाँ पे पूजा होगी। ये इनका फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। जाओ जाओ तुम दोनों, यहाँ लेडीज आती हैं। मुझे लगा नरसिंह हम चले जाएंगे, तुम्हें लगता है तो नहीं तुम भी आ जा। अब हम जा रहे हैं पानी वाले मंदिर में, और ये मंदिर दिख रहा हमारे यहाँ से, और ये हमारा गांव पूरा। अब हम लोग जा रहे हैं पानी में। पानी में भी अभी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, और वहाँ पे भी थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। अरे वहीं पे देख लेंगे, किसी का बंटा उंटा होगा किसी का, और क्या। वो तो अच्छा है, पूरा नहला देंगे भगवान जी को अच्छे से। ये दिख रहा मंदिर है जहाँ हम अभी गए थे, और अब नीचे चलते। ये है हमारा पंचायती घर गांव का, और यहाँ पे जितने भी गांव के जो सम्मिलित कार्य होते हैं वो यहीं पे होते हैं, और जब पूजा होती है साल में एक बार तो यहीं पे देवता उवता की पूजा की जाती है और मंडान लगाया जाता है। और ये गांव दिख रहा हमारा पूरा। ये कुछ कुछ मकान तो टूट गए हैं, कुछ नए बन गए, बहुत चेंज हो गया अब तो। ये लगी हुई बीन्स, बीन्स की सब्जी। मम्मी बीन्स को बड़े ये हम जा रहे हैं धारे पे, जो पानी हमारे गांव का मेन पीने का पानी, भैरव देवता का धारा। और ये सामने दिख रहा है छेरब धार, और ये टीरी झील दिख रही है, हमारे गांव से बहुत अच्छी दिखती है। और ये पहुंच गए हम अपने धारे पे, और यहाँ पे भी थोड़ा पूजा वूजा करेंगे। ओम नमः शिवाय। अब हर हर शंभू अब पूजा हो गई है, सब लोग प्रसाद खा रहे हैं पानी पे, धारे पे बैठे हुए और प्रसाद का आनंद लेते हुए। अब हम लोग जाएंगे हर हर महादेव, जय भैरव देवता, जय माता दी, चला भाई अब चला। तो अब चलते हैं घर, और फिर बच्चों को भूख लग रही है, अभी नाश्ता सब। चलो चलो सब मंदिर से घर, सबको बहुत भूख लग रही है बच्चों को। हाँ तनु, तनु को नहीं लग रही भूख, है ना? मुझे तो थक लग रही है। ओ भूख तो सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी। चलो चलो चलो।
पहुंची हम लोग घर पे। अभी धूप भी निकल आई है, बहुत गर्मी हो रही है एकदम से। ये बनी है गांव की दाल और चावल हमारे, और अब हम सब लोग खाना खा रहे हैं। तो बहुत बिना दीवार वाली तंबी को दे दो, ले तंबी तो बिना। तो चलिए खाना खाते हैं, आप भी लंच करिए और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। घी और ये क्या है, चटनी, चटनी अचार, पुदीने की चटनी, अचार। ये हम पहुंचे हैं अभी अपने पंचायती घर में, और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने मामी जी से मिलने। और यहाँ का नाम है जगह का चक्रीमा, और ये दिख रहा है हमारा पूरा गांव का मंदिर है ऊपर जहाँ हम सुबह गए थे। और अभी हम सब जाकर वो पांचों लोग जा रहे हैं अभी मामी जी से मिलने। ये है मेरी सहेली मंजू नौटियाल का घर। काके कौन चाहता है मेरे कोड़ बनाए, मेरे कोड़ देखने नहीं, मेरे कोड़ खा खा। हाँ, वही तरह बोलो। वो को मकान का दूर। ये है मेरी सहेली सुमिला का घर, पर बड़ा सा। ये पर रिपेयरिंग का होने क्या? हाँ, काम उम चल रहा है आजकल। अच्छा। है? तो काम चल रहा है आजकल घर का, रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। ना ना ऐसे नहीं, जा भाई तू जा। हमने सही ठीक है, हमने सही ठीक है। ये अनार लगे हुए, अनार लेके जा रही मैं तोड़ के सुमिला के लिए दिल्ली। नहीं तो अनार ले जाओ एक एक किलो। अनार लगे सुमिला के भी लेके जानू एक किलो पैक करके। चलो चल रहे हैं भाई, अपना घर तो देखे ना। हाँ, ये हमारा घर, ये टूट गया भी बनाएंगे इसको हम अगले साल। ये मेरे ससुराल है, वो मायका है, मेरे गांव में ही ससुराल भी है और मायका भी है इनका। हमारा नीचे है, कब से नहीं रहते हैं पता नहीं, इनको पूछो कब से नहीं रहते हैं। कौन हम? हाँ, हमें तो हो गए बेटा 28 साल हो गए, यहाँ से शादी हो गई थी तो वहीं चले गए थे। अच्छा, तो आप यहाँ पे रेंट पे रहते हो ना? मतलब वो तो प्रताप नगर और प्रताप बिहार में, नहीं प्रताप बिहार है वो, उसी में आता है रामपुर सब, वो हम जा रखे हैं उधर। इंद्रपुरम तो खैर उसकी तरफ है, वो तो उधर है, मोहन नगर वाला इधर कट जाता है, इंद्रपुरम वाला सीधा। क्यों क्यों अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा। देखिए आड़ू सब यू भी था, तू चूलो डाल मार देखा, फूकी खाएंगे, फूकी नहीं हो सूखी की सेहत। शेरा धार दिख रहा है यहाँ से, ये कांडा का मंदिर दिख रहा है, कांडा खाल में ऊपर दिख रहा है प्रताप नगर। कुर्ता फट गई क्या? हाँ। तो नहीं था। ये देखिए, ये है मेरे मामा जी का घर। मेरे मामी जी के इस टाइम क्यों आया, तुम नींद खराब कर दी तुमने। और क्या, अब बचना चाहिए आने के लिए। ये देखो ऐसे मामा मामी के घर गर्मियों की छुट्टी में जाने से बचे। हो गई है बहुत तेज बारिश कल के जैसे, फिर गांव में बारिश हो रही है आजकल डेली।
जय पृथ्वी लाल हो। बहुत तेज बारिश हो रही ठीक है कोई नहीं तुम तक है अब तक पियो लम चाय चल ये हम आए अभी ऊपर क्या ढोंडे बोलते ना कखनो ढोंडे जी सामने संतु की बारी और ये नीलम ये है क्या नाम है बेटा आपका किरण और ये मंजू है मेरी फ्रेंड उनका मायका है और मेरी ससुराल है ये देखो ये यहाँ से टीरी झील का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये मंदिर जहाँ हम सुबह आए थे और वो सामने वाला हमारा उधर मेरा मायका है और इस साइड मेरे ससुराल है यहाँ पे नीचे है ये मेरी नानी जी का घर था यहाँ पे मेरी माँ का घर और अब ये टूट गया है पूरा ये है मेरे छोटे ससुर जी है उनका घर है और अभी है नहीं वो घर पे है फूल देखो कितने अच्छे लगे ये चक्की थी यहाँ पहले ये मेरे छोटे ससुर जी उनकी है और ये गांव दिख रहा ऊपर से ये मंदिर नीचे जहाँ सुबह आए थे और इस जगह का नाम है ढोंडेच ढोंडेच पंडा जाना ये चप्पल नहीं पहन के जाते यहाँ से नीचे मंदिर है इसलिए तो ऊपर से चलो या चप्पल निकाल दो हाँ या तो इस साइड चलो या चप्पल निकाल हाथ पे लेके चलते हैं यहाँ से क्योंकि नीचे मंदिर है देखिए तो अच्छा दिख रहा है यहाँ से नीचे ये गांव दिख रहा है यहाँ से पूरा हमारा और ये सामने दिख रहा हमारा मेरा मायका जहाँ हम जा रहे हैं अभी है? बारिश शुरू हो गई फिर से और आज गांव का टूर है हमारा पूरा सुबह से लेके अभी तक सामने घर दिख रहा है ये मेरी भतीजी का है पुष्पा थपलियाल का और ये दिख रहा है छेरबधार और हम जा रहे हैं अपनी चाची जी से मिलने सीताफल की बेल लगी हुई है उसमें सीताफल लगते हैं और देखो गांव में कितना अच्छा मौसम हो रखा है आजकल बहुत अच्छा हरा भरा सा मेरी मौसी का घर है पर चाचा जी का घर है चाचा जी का घर है ये आए हम मेरे चाची जी का घर है और हम आए अभी चाची जी से मिलने भैया भाभी से मिलने ये है भाभी जी ये है हमारी चाची जी
और ये हैं भाई साहब श्री कमलेश्वर प्रसाद नौटियाल, ये पोस्ट मैंने भाई जी, और चाची जी है मेरी 90 से ऊपर की, हाँ, और 90 से 90 से हाँ, और अभी चाची जी से मिलने आ रखे हम लोग, ये सब बढ़िया थे लेकिन थोड़े इनकी आँखों की, हाँ थोड़े आँखों की रोशनी कम है चाची जी की, और सब ठीक है। अब हम चाची जी के घर से जा रहे हैं वापस नीचे मामा जी के घर पे, और भाई लोग तो चले गए आगे, और मैं अभी जा रही हूँ, और नीलम आ रही है पीछे से, तो मामा जी के घर पे चलते हैं। और ये फिर मंदिर दिख रहा हमारे सामने, और ये टीरी झील दिख रही है, ये आ गई मैं मामा जी के घर पे, ये मेरे छोटे मामा जी का घर है, और अभी काम चल रहा है, मामा जी का काम चल रहा है ऊपर, ये मेरे मामा जी लेने जाओगे तो लेने जाओगे तो मैं ठीक है, आ जा बैठ, हाँ ना आ बैठो, कुर्सी पे बैठ गया, अरे ले लो कुर्सी, अरे कोई कुर्सी नहीं, खराब हो खराब हो, मोटी लाए ना बल पानी है ना, बन लाए ना बल पानी है, मीठे माथे बन मोटा पाया पन बल पाना ना, तब नहीं बोलो कुछ वो हो गया चपचा पोर मोटर फूटेगी जब कोई का वीडियो। ये है मेरी मामी जी, और ये वैसे देहरादून भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, आजकल गांव आ रखे हैं। और ये है मेरी भाभी जी, और ये भी हैं भाभी जी, ये छोटी भाभी हैं, ये बड़ी भाभी हैं, और ये लोग अभी शाम के टाइम पे सब सब्जी सुब्जी खरीदने आ रखे हैं। अब देखो गांव में कितनी फैसिलिटी आ गई है कि बाहर से मतलब खुद मेहनत नहीं करते सब, कह रहे आप लोग जब शहरों में रहते तो हम क्यों करें मेहनत, हाँ कह रहे आप लोग मजे कर रहे हो और हमें कह रहे हो कि गाँव में काम करो, तो सब लोग बाहर से ये सब्जी खरीद रहे हैं। और ये देखिए हाँ क्या करें, जब हम लोग ही नहीं कर सकते तो हम आपको भी क्यों कहें कि आप करें काम, नहीं बस धीरे धीरे तो अब मैं जा रही हूँ घर, आज का टूर हमारा खत्म हो गया गांव का, कैप्सूल खाना हाँ कर देंगे लोग अब धीरे धीरे, और अब हम मिलेंगे कल, कल है हमारे बगल वाले घर में हमारे गाँव में मामा जी उनके घर में कीर्तन, और वहाँ पे मिलेंगे सब लोग। ब्लॉग पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कल मिलेंगे राधे राधे।